सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई अहम बातें कही। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कल्पना करना कि समलैंगिकता केवल शहरी इलाकों में मौजूद है उन्हें मिटाने जैसा होगा। किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति समलैंगिक हो सकता है। सीजेआई ने कहा, मनुष्य जटिल समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार और जुड़ाव महसूस करने की हमारी क्षमता हमें इंसान होने का एहसास दिलाती है। उन्होंने कहा कि हमें देखने और देखने की एक जन्मजात आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को साझा करने की आवश्यकता हमें वो बनाती है जो हम हैं। ये रिश्ते कई रूप ले सकते हैं, जन्मजात परिवार, रोमांटिक रिश्ते आदि। परिवार का हिस्सा बनने की आवश्यकता मानव गुण का मुख्य हिस्सा है और आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण। समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, ये अदालत मानती है कि शादी सामाजिक घटना है, एक संस्था के रूप में विवाह राज्य से पहले है। इसका मतलब ये है कि विवाह की संरचना सरकार से पहले है, विवाह की शर्तें सरकार की शर्तों से परे है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सिर्फ किसी व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पर शादी करने से नहीं रोका जा सकता। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़े सहित अविवाहित जोड़े मिलकर एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह मामले में बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, शादी को मान्यता देने का अधिकार संसद का है, कोर्ट कानून नहीं बना सकती है। कोर्ट केवल कानून की व्याख्या कर सकता है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो इस बात का ध्यान रखें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है। कोर्ट ने सरकार को समलैंगिक जोड़ों के लिए सेफ हाउस बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को शुरू की थी और 11 मई तक ये सुनवाई चली। कोर्ट में इस मामले को लेकर करीब 20 याचिकाएं दाखिल हुई। इसमें सेम सेक्स कपल, ट्रांसजेंडर पर्सन, LGBTQIA+ शामिल है। असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ने सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया। राजस्थान की ओर से कहा गया कि समलैंगिक विवाह सामाजिक ताने बाने में असंतुलन पैदा करेगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो वहीं असम सरकार ने कहा, विवाह, तलाक और सहायक विषय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं और ये राज्य विधानमंडल के क्षेत्र में है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।